फ्यूजन के लिए ना बहुत यू नीड अ अकम्पनीमेंट। सो फ्यूजन है क्या कि फ्यूजन का ऐसा है कि मुझको लगता है सबसे अच्छा फ्यूजन हमारे फिल्म हिंदी फिल्म्स में हुआ है, फिल्म म्यूजिक में हुआ है, विच हैज़ बीन एबल टू यू नो इन्फ्यूज ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक। सो जैसे रवि जी ने भी किया था, आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स। और जैसे मैंने कहा कि फिल्मों में बहुत अच्छे से फ्यूजन होता है, अलग अलग अफ्रीकन म्यूजिक हो या लैटिन म्यूजिक हो या वेस्टर्न म्यूजिक हो। तो आजकल जो फ्यूजन चलता है वो फ्यूजन से ज़्यादा थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगर आपको वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाना हो तो उसको फ्यूजन क्यों बोलते हैं मुझको पता नहीं। अगर तबले के बजाय आप ड्रम लेते हो तो उसको आजकल फ्यूजन बोलते हैं। और मैं ये सब बहुत ज़्यादा करता था, पर मैं आपको एक बात दिल से बताऊं कि मेरे लिए जब मैं ज़्यादा ये बातें करता हूँ, मेरे पिताजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि एक वो बहुत प्यूरिस्ट है। पर आई एन्जॉय डूइंग फ्यूजन अ लॉट, और त्रिलोक दादा के साथ या रणजीत भाई के साथ मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए। पर वो उनका जो विजन है वो फॉलो करना, या वो फॉलो करके अगर वो प्रोग्राम प्रस्तुत होता है तो उसमें थोड़ा मीनिंग आता है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ड्रम्स के साथ अगर मैं अलबेला गाता हूँ, अलबेला सजन आयो रे टक टिक टिक टक टिक, तो इसमें श्रोताओं को मजा आता है। पर अगर आप मुझको ऑनेस्टली पूछे तो ठीक है, अभी मैंने ये सब बहुत बहुत ज़्यादा किया है और उसमें जो मज़ा आता था वो उतना मज़ा अभी नहीं आता मुझको ऑनेस्टली, क्योंकि तो हम क्या करते हैं, एक परफॉर्मर के नाते, परफॉर्मर ये यूज़ कर रहा हूँ मैं वर्ड, यू हैव टू एंटरटेन, थोड़ा प्रबोधन भी करना चाहिए। तो अभी एंटरटेनमेंट फैक्टर ज़्यादा हो गया है, उसके साथ आपको एक्स फैक्टर चाहिए। मुझको ये पता नहीं कि म्यूज़िक में एक्स फैक्टर माने क्या। अगर आपको अच्छा संगीत सुनना हो, अगर आप अच्छा संगीत सुन रहे हो तो नेचुरली आपके आपकी जो आंखें हैं वो बंद होनी चाहिए और आपको उस अनुभव में आनंद मिलना चाहिए, ना कि ओह क्या बात है। इट्स नॉट अ विज, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअल आर्ट, ऐसा मुझको लगता है। म्यूजिक, मुझको ऐसा हमेशा लगता है कि म्यूजिक इज सो क्लोजली रिलेटेड टू द नेचर अराउंड अस। और मैं ये एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ कि क्लासिकल म्यूजिक या कौन सा भी म्यूजिक, कौन सा भी म्यूजिक, ऐसा है कि इफ यू आर अ पेंटर देन एंड इफ यू आर पेंटिंग, अगर एक चित्र आप कर रहे हो, अगर एक पेंटिंग आप कर रहे हो, तो आपके पास तो सब रंगों का डिब्बा होता है, तो आप सब जो आता है मन में तो सब रंग आप ऐसे, यू डोंट यूज ऑल द कलर्स राइट, अदरवाइज इट विल नॉट लुक गुड। कौन सा रंग कितना किधर ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और मुझको ऐसा लगता है कि हमारा जो रियाज है एज अ क्लासिकल सिंगर, वो रंगों का जो डब्बा है वैसा होता है कि चलो मुझको तान आता है, तान आती है, मुझको गमक करना आता है, मुझको जबड़ा करना आता है, मुझको सपाट तान करनी आती है, मुझको बहलावा आता है, मुझको ये सब जो स्किल सेट होता है वो सब आता है। वो सब अगर मैं एक ही गाने में या एक ही बंदिश में करूं तो उस बंदिश की उसको ज़रूरी है वो। फॉर एग्जाम्पल,
अभी मेरे पास तानपुरा नहीं है, मैं होटल में हूँ अभी. तो एक एज एन एग्जाम्पल आई विल गिव यू, यार वेना आयो रे, यार वेना आयो रे, यार वेना आयो रे, सोज पर ना आजा मोहे यार वेना. अभी याद मन मोरा करतनी ठुरा रे, याद मन मोरा मन मोरा, याद मन मोरा करतनी ठुरा रे, सूरत दिखा जार आजा मोहे यार वेना. इतनी सुंदर बंदिश है कुमार जी की. अभी अगर इसमें मैं आ यार, तो जैसे मैंने कहा कि ये जरूरी है नहीं है, क्यों करना है आपको, क्यों करना है आपको, दिखाना है कि मुझको ये आता है, मुझको वो आता है. संगीत में ऐसा है कि जैसे हम जो संगीत का सफर है वो इतना इंटरेस्टिंग है, और हमेशा इट लीड्स टू अ पाथ विच टेक्स यू इफ यू हैव सॉफ्ट फोकस. आई डोंट नो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. समझ लो कि आप एक स्काई स्क्रेपर है, उधर से आप छलांग लगा रहे हो, और वो जो छलांग है जिसको फेंक बोलते हैं गाने में, खुद को उसमें फेंकना चाहिए. यानी विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, इफ यू जस्ट फ्लिंग योर सेल्फ फ्रॉम अ बिल्डिंग, यू डोंट नो वेर यू आर गोइंग टू लैंड, बट यू नो फॉर अ फैक्ट दैट वेर एवर यू आर गोइंग टू लैंड विल बी अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. एंड एक्सप्लोरिंग दैट इज आई फील द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अ म्यूजिशियन कैन डू. इसके लिए मुझको ऐसा लगता है कि जब कुमार जी, जब भीमसेन जी, किशोरी ताई, मेरे दादाजी वसंत राव जी, जब भी वो, अगर यमन ही गाना है तो यमन अगर हमको, एवरी टाइम व्हेन यू सिंग यमन, इफ यू आर टेकन ऑन अ राइड, यू मस्ट बी सेंसिटिव इनफ टू अंडरस्टैंड द इंट्रिक, नॉट द इंट्रिकसीज, बट द लिटिल थिंग्स विच आर देयर ऑन योर पाथ. दैट्स वाई यू नीड सॉफ्ट फोकस. और जब ये होता है तब वो अलग ही सामने आता है. आज उसका सौंदर्य, या इट यू यू माइट फाइंड ब्यूटी इन ओनली एक्सप्लोरिंग वन फ्रेज. फॉर एग्जाम्पल, यार वे ना आ, अभी ऋषभ पे मैं काम करूँगा. उस दिन अगर मुझको लगा कि अरे ठीक है गंदार निषाद है तो ठीक है, पर मुझको आज ऋषभ पे ही एक्सप्लोर करना है, तो वो अलग हो जाएगा. आज मुझको लगा कि चलो नहीं पंचम करते हैं, या नॉट जस्ट एनी सुर, बट इट इज ऑल्सो अबाउट द फ्रेजिंग, ऑल्सो अबाउट द स्टेट, म्यूजिकल स्टेटमेंट दैट यू मेक. आई थिंक अ म्यूजिकल स्टेटमेंट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स वाई आई लाइक कुमार जी इज म्यूजिक. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि मधुवंती की उनकी बंदिश है, बैरन बरखारे तू आ, ये बैरन बरखारे तू आ, ये बोलन लागे मन विहंग पापी आ, मुरे पिया बेन कछुना सुहावे, बैर ना बरखारे तू आ. सो ये म्यूजिकल स्टेटमेंट है. इसके लिए मुझको नहीं लगता कि आपको, अगर बंदिश ऐसे ही कह दे आप, रख दे सामने, तो लोग कहेंगे क्या बात है, क्या
what a beautiful thing this is.